नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरुई मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। निजी बस ने बाइक कार को मारी टक्कर, गाड़ी से रविनगर चौक की ओर आ रही है कि निजी बस ने दो पहिया वाहन और कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अमरावती मार्ग पर भरतनगर परिसर में पीएनबी बैंक के सामने मंगलवार दोपहर 4 बजे दौरान हुए इसमें दोपहिया चालक घायल हुआ। वही गुस्सेल लोगों ने निजी बस के चालक की जमकर पिटाई कर दी। बस क्रमांक 31618 एक गाड़ी की ओर से आ रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार बस ने दोपहिया क्रमांक एवं में 3139 को जोरदार टक्कर मारी। इतना भीषण था कि सड़क किनारे खड़ी क्रमांक 346 और बस के बीच में 30 से ज़्यादा छात्र शहर के एक निजी कोचिंग सेंटर की यात्रा शुरू कर दिए। इसमें वह घायल हुआ। हादसे की वजह से कई छात्रों ने पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि होने की जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें महिलाएं। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन ने कहा कि शहर के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के प्रति मनपा कटिबद्ध है। परिवार में महिला माता और बहनों की भूमिका सबसे अहम होती है। काम के दबाव में वह अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देती। पति महिला स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ हो रहेगा। इसीलिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। वह मात्र सुरक्षित तौर सुरक्षित अभियान अंतर्गत पांच पावली टिकरा में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र जोशी, डॉक्टर विजय प्रकाश पारिक आदि मौजूद थे। सिरतुंबी कमेटी का सत्कार, कॉल के 2 वर्ष बाद इस बार जश्न ईद मिलाउद्दीन उत्साह से मनाई जाएंगी। जश्न ईद मिलाउद्दीन के जुलूस और अन्य कार्यक्रमों को लेकर मस्जिद फिर पेज में मरकरी शिरपुर मीम कमेटी की बैठक हुई। 2 वर्ष बाद होने जा रहे आयोजन को सफल बनाने के लिए जुटी मर्जी फिर तुम्बी कमेटी के पदाधिकारी को इस दौरान AIES उत्तर नागपुर की टीम के साथ ही मार्गदर्शन में क्षेत्र के आयोजनों को लेकर चर्चा की और इस दौरान शहीद जहांगीर अंसारी, अहमद शरीफ, आसिद आदि उपस्थित थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।